अवधेश राय हत्याकांड में 5 को आएगा फैसला। बचाव पक्ष ने 42 पेज की लिखित बहस अदालत में पेश की। 31 साल पुराने केस में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी भी है आरोपी। न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में सोमवार को बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस दाखिल की। अदालत इस प्रकरण में 5 जून को फैसला सुनाएगी। पिछली तिथि पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। याचिका की ओर से लिखित बहस भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई थी। उल्लेखनीय है कि 3 अगस्त 1991 की सुबह लहुराबीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग पर अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता अजय राय ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, भीम सिंह और राकेश न्यायिक को नामजद आरोपी बनाया था।